सो हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। सो दोस्तों, काफ़ी सर्वाइलों का आइडियोटॉन की तरफ से एक धासु एम्पलीफायर का इंतजार था, तो फाइनली गई सर आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि गई सर यहाँ पर आइडियोटॉन ने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली एक एम्पलीफायर लॉन्च कर दिया है, जो कि गई सर ये जो एम्पलीफायर रहेगा केवल बेस चलाने के लिए रहेगा, जो कि इस वाले एम्पलीफायर से काफ़ी ज़्यादा आप लोग हैवी वाटेज का डुअल बेस इस वाले एम्पलीफायर पर चला पाएंगे। तो गई सर आज की इस वीडियो में इस एम्पलीफायर के बारे में फुल डिटेल जानेंगे कि आइडियोटॉन के तरफ से जो न्यू मॉडल का एम्पलीफायर लॉन्च हुआ है वो कैसा देखने में दिखता है, साथ ही सर इसका कितना पावर है, ये एम्पलीफायर मार्केट में कितने प्राइस का मिलेगा और इस पे हम कितने वाटेज का बेस चलाएंगे, कंप्लीट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो जो भी भाई लोग एक आइडियोटॉन का फैन फॉलोइंग है, आइडियोटॉन का एम्पलीफायर का इंतजार कर रहे थे कि हमें एक आइडियोटॉन का काफी ज्यादा हैवी वाटेज का और हाई डंपिंग फिल्टर वाला एम्पलीफायर मिले, तो बिल्कुल ही उन लोगों के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीएसटीजे ब्लॉग नंबर 1 में। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। गाइस, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर आईडी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है आइडियोटॉन का न्यू लॉन्च एम्पलीफायर, जो कि एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा हाई डंपिंग फैक्टर वाला एम्पलीफायर है, जो कि काफ़ी सारे डीजे साउंड सिस्टम वाले भाई लोग का ये एम्पलीफायर मन जीत लेगा, क्योंकि गई सर ये जो एम्पलीफायर है ओनली फॉर बेस चलाने के लिए बनाया गया है। गई सर अगर हम बात करें इस वाले एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल के बारे में, इसका फ्रंट पैनल जो पहले वाला एम्पलीफायर था एक सीरीज का, उससे आप लोगों को सेम देखने को मिल जाएगा। कुछ भी आप लोगों को इसके डिजाइन में चेंजिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। चेंजिंग यहाँ पर केवल यह है गाइस कि यहाँ पर आप लोगों को पहले वाला जो एम्पलीफायर था एक सीरीज का था, बढ़ गई सर यहाँ पर इसके अंदर चेंजिंग करके एक्स एस सीरीज में ये एम्पलीफायर को बनाया गया, जो कि गई सर इसका मॉडल नंबर AD9900 देखने को मिल जाएगा। पहले वाला जो सेम यहाँ पर आप लोगों को लुक में देखने को मिलता था एम्पलीफायर, उसका मॉडल नंबर AD9000 देखने को मिलता था, बढ़ गई सर यहाँ पर आइडियोटॉन ने इस वाला एम्पलीफायर को चेंज कर दिया है इसका मॉडल नंबर, जो कि AD9900 देखने को मिल जाएगा। तो गई सर मॉडल नंबर जैसे ही चेंज हुआ तो इसका पावर भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिल जाएगा, और पहले वाले एम्पलीफायर से ये वाला एम्पलीफायर का पावर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही गई सर पहले वाला जो एम्पलीफायर था उससे इसका डंपिंग फिल्टर भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि एम्पलीफायर प्रॉपर बेस चलाने के लिए बनाया गया है। पहले वाले एम्पलीफायर के लुक आप लोगों को देखने को मिलता था सामने से, वैसे ही आप लोगों को इस वाले एम्पलीफायर का भी लुक और इसका डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जो कि आइडियोटॉन का ब्रांडिंग। साथ ही गई सर यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए दोनों चैनल में रेड इंडिकेटर, क्लिप के लिए यहाँ पर आप लोगों को लाइट इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, और सिग्नल के लिए और पावर के लिए दोनों चैनल पर यहाँ पर लाइट इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। साथ ही गई सर यहाँ पर इसका हैंडल दोनों साइड में जैसे पहले वाले एम्पलीफायर था वैसा ही देखने को मिल जाएगा, और गई सर ये जो एम्पलीफायर है 3U में डिजाइन किया गया, जो कि फ्लाइट केस के लिए भी यहाँ पर 4 होल दिया गया है। बढ़ गई सर यहाँ पर आप लोगों को चेंजिंग देखने को मिल जाएगा एक्स एच सीरीज में, और गई सर यहाँ पर चेंजिंग देखने को मिल जाएगा बड़ा सा एक्सट्रीम बेस एम्पलीफायर, जो कि पहले वाले एम्पलीफायर में ये चीज मेंशन नहीं था। तो गई सर कंपनी यहाँ पर एक्सट्रीम बेस पावर क्यों यहाँ पर मेंशन किया है, इसका मेंशन करने का बहुत ही बड़ा रीजन है, क्योंकि गई सर ये जो एम्पलीफायर है ओनली फॉर बेस सपोर्ट के लिए बनाया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ आइडियोटॉन ने यहाँ पर लिख दिया है कि ये जो एम्पलीफायर है एक्सट्रीम बेस पावर के लिए एम्पलीफायर इसे बनाया गया है, जो कि आप लोग इस वाले एम्पलीफायर पर अगर बेस चलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर का आप लोगों को पंच वाइब्रेशन इस वाले एम्पलीफायर के द्वारा आप लोगों को स्पीकर में सुनने को मिल जाएगा। साथ ही गई सर इस वाले एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल पर जो पहले वाला एम्पलीफायर था उससे थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ पर मॉडल नंबर में देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले वाला एम्पलीफायर था AD9000, बढ़ गई सर यहाँ पर चेंजिंग करके आइडियोटॉन ने AD9900 इसका मॉडल कर दिया है। गई सर बात करेंगे इसके पावर के बारे में, तो गई सर पहले वाला जो एम्पलीफायर था उसका फोरम पे 3850 वाटेज पावर देखने को मिलता था, बढ़ गई सर इस वाले एम्पलीफायर का पावर आउटपुट आप लोगों को फोरम पे 4000 वाटेज एक एक चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो गई सर आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो एम्पलीफायर है पहले वाले एम्पलीफायर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और गई सर इसमें बेस काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अच्छा क्वालिटी का सुनने को मिल जाएगा। साथ ही गई सर पहले वाले एम्पलीफायर का जो डंपिंग फैक्टर था 3000 देखने को मिलता था, बढ़ गई सर इस वाले एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर आप लोगों को 3500 देखने को मिल जाएगा, यानी 3500 हाई प्रेशर का डंपिंग फैक्टर इस वाले एम्पलीफायर के अंदर दिया गया। तो गई सर ये जो एम्पलीफायर है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा धूम मचाने वाला है, जैसे ही ये एम्पलीफायर लॉन्च होगा मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इस वाले एम्पलीफायर का
सेलिंग देखने को मिल जाएगा। ऐसे तो दोस्तों इसका जो पहले वाला मॉडल था AD9000 वो भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा धूम मचा रहा था, काफ़ी सारे साउंड सिस्टम वाले भाई लोग एडियोटोन का उस वाले मॉडल को बाई कर रहे थे, क्योंकि उस वाले एम्पलीफायर पर भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का बेस सुनने को मिलता था और काफ़ी हैवी वाटेज का बेस स्पीकर वो भी एम्पलीफायर चला रहा था। बट गई सर, उससे इंक्रीज करके एडियोटोन ने इस वाले एम्पलीफायर को लॉन्च कर दिया है। तो ये जो एम्पलीफायर है मार्केट में जैसे ही आएगा तो काफ़ी सारे बड़े बड़े जो साउंड सिस्टम चलाने वाले भाई लोग होते हैं, कंपटीशन लेवल का अपना सेटअप रखे हैं, उनके अंदर 4000 वाट्स का डुअल बेस चलाना चाहते हैं एक एक चैनल पे और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लेना चाहते हैं, तो इस वाले एम्पलीफायर को जरूर वो भाई लोग बाई करेंगे। तो गई सर, जो भी भाई लोग एक एडियोटोन का न्यू एम्पलीफायर के इंतजार में थे, तो फाइनली गई सर यहाँ पर एडियोटोन ने यहाँ पर AD9900 मॉडल में एम्पलीफायर लॉन्च कर दिया है, जो कि 3500 डंपिंग फिटर और गई सर 4000 वाट्स का पावर आउटपुट एक एक चैनल पे फोरम पे एम्पलीफायर देगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा धासु इसका पावर होने वाला है। तो गई सर ओवरऑल ये जो एम्पलीफायर है एडियोटोन का डुअल चैनल का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, जो कि अगर आप लोग इस पे 4000 वाट्स का डुअल बेस एक एक चैनल पे चलाने के लिए अगर लेना चाहते हैं कोई एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, तो इस वाले एम्पलीफायर की तरफ जा सकते हैं। गई सर अगर हम बात करें इस वाले एम्पलीफायर के प्राइस के बारे में, तो गई सर इस वाले एम्पलीफायर का मार्केट प्राइस तो अभी हमें नहीं मालूम है, बट गई सर मैं इसका प्राइस आप लोगों को मैं अंदाज़ा बता दे रहा हूँ जो कि अप्रोक्सीमेटली रहेगा। ये जो एम्पलीफायर है मार्केट में लगभग 70000 से 75000 के बीच में देखने को मिल सकता है, जो कि इतने प्राइस रेंज में ये एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। अगर इसका प्राइस 90000-95000 जाता है तो ये एम्पलीफायर नहीं बिकेगा। अगर इस वाले एम्पलीफायर का प्राइस 70000 से 75000 और गई सर 78000 तक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इतने तक ये एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, जो कि आप लोगों के लिए अच्छा क्वालिटी का एम्पलीफायर है। बाकी गई सर इसका देखते हैं कि एम्पलीफायर मार्केट में आता है तो इसका कितना प्राइस देखने को मिलता है। ये जो एम्पलीफायर लॉन्च हो चुका है तो मार्केट में आने पर ही पता चलेगा कि एम्पलीफायर डीलर के पास से कितना मिलता है। जैसे इसका मार्केट प्राइस मालूम चलता है तो मैं अपने वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में इसका प्राइस मेंशन कर दूंगा। बाकी गई सर जो भी मेरे व्यूअर लोग अगर इस वाले वीडियो को कुछ टाइम बाद देख रहे हैं, जब एम्पलीफायर को बाई कर लेंगे आप लोग देखेंगे इस वाले वीडियो को, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस वाले एम्पलीफायर का रिस्पॉन्स कैसा है, इसका कैसा तगड़ा बेस सुनने को मिलता है, ताकि और भी भाई लोग का हेल्प हो सके। बाकी गई सर एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, आप लोगों को कैसा लगा एडियोटोन का नया एम्पलीफायर ये वाला आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या एम्पलीफायर बेस को फाड़ देगा, बेस को काफ़ी अच्छी तरीके से बजाएगा, जो कि इसके टक्कर में कोई एम्पलीफायर मार्केट में नहीं होगा, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। अगर आप लोग के मन में साउंड सिस्टम से रिलेटिव कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किस तरह आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।